छात्रों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पहचानते हैं। किसका हम पहचानते हैं? देखो, ऐसी चीजें हैं जिनको हम उनके नामों के द्वारा पहचानते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, उन चीजों को आपको देखना है और उनके नाम बताने हैं। देखिए, ये चीज क्या है? पेंसिल, बराबर पहचानते हैं। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है? पेन। और तीसरी चीज है, क्या है? बोतल है। तो इनको अलग अलग नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? अलग अलग नाम दिए हैं। और इन नामों के कारण हमें पता चला उस चीज को क्या कहा जाता है। देखिए, हमारे आस पास भी बहुत से ऐसे चीजें हैं, जैसे कि दीवार है, दरवाजा है। आपने घर में देखिए, आपने तो घड़ी है, दीवार घड़ी होती है, पंखा होती है, टीवी होती है, पंखा होता है। ऐसे बहुत सी चीजें हमारे आस पास होते हैं जिनको हम पहचानते हैं। हम कभी बोलते हैं कि ये पेंसिल है? नहीं। हम कभी बोले ये पेन है? नहीं। हम इसको कभी पेंसिल बोले? नहीं। उस चीज को जो नाम रखा गया है वही उसी नाम से हम उसको पहचानते हैं। तो देखिए, इसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। और आज हम देखने वाले हैं व्याकरण संज्ञा। क्या देखने वाले? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और मन के भाव को संज्ञा कहा जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान और मन के भाव का जो नाम रखा होता है उसको संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक अनुच्छेद मैंने दिया है, उस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, वस्तु का नाम क्या है, स्थान का नाम क्या है और मन के भाव का नाम क्या है। तभी आपको पता चलेगा कि संज्ञा क्या है। देखिए, इस अनुच्छेद के द्वारा स्टेशन पर रेलगाड़ी मुंबई जाने के लिए खड़ी है। आलोक पिताजी के साथ गाड़ी में चढ़ रहा है। आन्या खिलौने देखकर प्रसन्नता से तालियां बजा रही है। आपने देखा, सुनाई, आपने सुनाई अनुच्छेद। इसमें पहला ही शब्द है स्टेशन पर। जो स्टेशन शब्द है वो किसी स्थान के बारे में बोध करा रहा है। तो ये शब्द कहाँ आएगा? स्थान के जगह पर, स्थान, स्टेशन। उसके बाद शब्द है रेलगाड़ी। संज्ञा शब्द है रेलगाड़ी। तो किधर आएगी? देखिए, वस्तु के स्थान पर। वस्तु, रेलगाड़ी क्या है? ये वस्तु है। अब देखिए, स्टेशन पर रेलगाड़ी मुंबई जाने के लिए खड़ी है। कहाँ जाने के लिए खड़ी है? मुंबई जाने के लिए। तो एक स्थान के बारे में बोध करा रहा है ये मुंबई शब्द। तो मुंबई कहाँ आएगा? स्थान के जगह पर, मुंबई। उसके बाद देखिए, आलोक पिताजी के साथ गाड़ी में चढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ नाम है, आपको नाम देखना है, सिर्फ नाम देखने हैं। किसके नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, उतने देखने हैं। आलोक, ये लगता है व्यक्ति का नाम है, तो कहाँ आएगा? व्यक्ति के नाम में, आलोक। उसके बाद देखिए, पिताजी, पिताजी भी व्यक्ति के नाम में आएगा। अब देखिए, आलोक पिताजी के साथ गाड़ी में चढ़ रहा है। यहाँ फिर गाड़ी आ गई है, रेलगाड़ी तो हमने पहले ही लिखी है, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, एक ही शब्द है वो। चढ़ रहा है अन्या, यहाँ पर लड़की का नाम है अन्या, कहाँ आएगा? व्यक्ति के नाम में, अन्या। खिलौने देखकर प्रसन्नता से तालियां बजा रही है। एक वस्तु है खिलौना, खिलौने क्या है? वस्तु है। तो यहाँ आएगा खिलौने, खिलौने शब्द इसमें आएगा, वस्तु के जगह पर आएगा। खिलौने देखकर प्रसन्नता से तालियां बजा रही है। अब वो प्रसन्न हो गई है, उसके मन के भाव है प्रसन्नता, खुश हो गई है, वो प्रसन्न हो गई है। तो ये मन का भाव है उसका, तो कहा आएगा? मन के भाव में, प्रसन्नता से तालियां बजा रही है, प्रसन्नता। अब
देखिए सब शब्द आपको मिल गए हैं, सब शब्द इसमें से यहाँ पर मिल गए हैं, व्यक्ति अलौकिका जी अन्य वस्तु रेलगाड़ी के खिलौने हैं, स्थान है शहर मुंबई और मध्य भाग है प्रसन्नता। तो यहाँ इतने सारे शब्द हैं वो क्या है, संज्ञा शब्द है और अभी हमने ये क्या देखे, संज्ञा शब्दों की पहचान और कुछ उदाहरण है उसके द्वारा हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द किस तरह से संज्ञा शब्द हम उसमें से खोलकर देखेंगे। पहला उदाहरण है राज और देव की रचने का मेला लेने गए। राज क्या है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, दशहरा एक त्योहार है और मेला देखने गए, क्या देखने गए, मेला। तो इतने सारे शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है, राज व्यक्ति दशहरा और मेला। दूसरे उदाहरण में देखिए कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार एक वास्तु है तो इसलिए यह भी एक संज्ञा है, दिल्ली एक स्थान है, शहर का नाम है, हमारी राजधानी है ये दिल्ली, तो इसलिए यह संज्ञा शब्द है। गंगा पवित्र नदी है, इसलिए वाक्य में देखिए गंगा पवित्र नदी है, गंगा एक नदी का नाम है, नदी यह शब्द भी संज्ञा शब्द है। राकेश पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राकेश लड़के का नाम दिया है। पांचवे उदाहरण देखिए सीमा जयपुर गई थी, सीमा कहाँ गई थी, जयपुर गई थी, तो यहाँ पर दो संज्ञाएं हैं, राज देव की रचना मेला। दूसरे उदाहरण में कुतुब मीनार और दिल्ली, तीसरे उदाहरण में गंगा और नदी, चौथे उदाहरण में देखिए राकेश और पांचवे उदाहरण में सीमा और जयपुर, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। इसमें देखिए धरती ना चुकी है, तो कौन ना चुकी है, धरती, धरती जो ना चुकी है, धरती ये संज्ञा शब्द है। पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए हैं, आपको पता है पोंगल यह त्योहार है, तो त्योहार के नाम भी संज्ञा शब्द होते हैं, त्योहार यह शब्द भी यह शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। पोंगल मनाने के लिए सभी जाग गए हैं, देखिए आज हम पिचकारी खरीदने जाएंगे, वस्तु का नाम क्या है, पिचकारी, तो पिचकारी यह संज्ञा शब्द है। उसने बहुत तेज ढोल बजाया, इसने क्या बजाया, ढोल, तो ढोल यह संज्ञा शब्द है। मैं मेला देखने अवश्य जाऊंगा, यहाँ पर मेला शब्द संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर देखिए जितने सारे अभी हमने शब्द देखे उन शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। धन्यवाद।